नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बी एस ए ट्री की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइंस की आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो परागण कितने प्रकार से होता है। परागण होता है दो प्रकार से, कैसा, एक स्वपरागण और दूसरा पर परागण। तो दोस्तों, पर परागण के अंतर्गत पौधे के बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बिल्कुल ठीक है, जल, वायु और जानवरों के द्वारा तो पहुंचाए जाते हैं, मगर इसमें पौधों का कोई योगदान नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी, पौधे, प्लांट्स, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डॉब्रिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल हैं। तो दोस्तों, डॉब्रिनर का त्रिक का नियम अगर आपको पता है तो आप जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, अगर बात करें दोस्तों तो डॉब्रिनर ने बताया था कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो बाकी के दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको दे रखा है लिथियम और सोडियम। तो दोस्तों, तीसरा तत्व कौन होगा, बिल्कुल ठीक है, तीसरा तत्व हो जाएगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से पोटेशियम। रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम इनके बात करें तो परमाणु द्रव्यमान की, तो लिथियम का होगा 7, अगर बात करें दोस्तों इसका सोडियम का तो हो जाएगा दोस्तों 23, और लास्ट में बचता है पोटेशियम, तो इसका हो जाएगा 39। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो बीच वाले में जो 23 आ रहा है, तो अगर हम 39 और 7 ऐड कर देंगे 46 और उसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 23। तो दोस्तों, यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें विद्युत रोधी की, तो विद्युत रोधी कौन होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो कि तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10^12 ओम से लेकर 10^17 ओम तक, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक वक्राकार दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तन की सतह अंदर की ओर होती है एवं वक्राकार होती है अवतल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों, यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो वह वक्राकार दर्पण है जिसमें प्रकाश परिवर्तन की सतह जो है बाहर की ओर वक्राकार होती है, उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, उसे हम दोस्तों कहेंगे आपका कॉन्वेक्स मिरर माने उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महासागरों में मौजूद शैवालों की जो विशाल मात्रा है उसका उपयोग जो है वो किसके अंतहीन स्रोत बनाने में किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो समुद्री शैवाल जो है वो समुद्री पौधों और शैवालों की अनगिनत प्रजातियों के सामान्य नाम है, और दोस्तों इनसे जो है हमें मीथेन गैस जो है बहुत मात्रा में पाई जा सकती है। अंतहीन स्रोत इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया मीथेन, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपको, और दोस्तों इस रिएक्शन में जो H2O2 है वो किसके रूप में कार्य कर रहा है, जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से संबंधित ये प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन या तो कोई चीज गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अपचायक जो होते हैं और ऑक्सीकारक होते हैं, तो अपचायक वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे होते हैं, और यहां पर जो H2O2 के हैं वो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग एजेंट एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से जल्दी से विचार करके बताएं कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन 3 × 10⁸। तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो बॉर्डरलाइन तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुण समान रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिस्मिथ इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, एक मिश्र धातु जो है वो एक ठोस विलयन है। तो यहां से जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। तो दोस्तों ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है एवं ध्वनि की पिच जो है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ध्वनि की पिच इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और दोस्तों जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है वे अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लक्षण लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है ए, तो वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो है वो अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक गलत है। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए एक यौगिक का एक परमाणु गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार शब्दों का हेर फेर करके पूछा जाता है और इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों संक्रमण तत्व क्या होते हैं? जल्दी से विचार करके बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वह तत्व जिनके दो सबसे भारी शेल जो है वो अधूरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें आप अपने विचारों को स्टोर करके रखते हैं, विचारों का संग्रह करते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर ही आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि पुरुषों में जो प्राथमिक यौन अंग है दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जब मैग्नीशियम रिमन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मैग्नीशियम रिमन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है। तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में कौन सा एक धनायन है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा अमोनियम जो है वो एक धनायन है, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो दिए गए ऑप्शंस में से बाकी सबके तुलना में सबसे कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से अब जल्दी से विचार करके बताएं कि हमारा जो है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट दिए गए ऑप्शंस में से क्या उत्पन्न करेगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 जो है वो क्या उत्पन्न करेगा? बिल्कुल ठीक है, N2O और 2NH2O। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा? और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो जुगनू जो है वो चमकता है, जलती हुई मोमबत्ती बिल्कुल ठीक है चमकदार होगी ही, और जलता हुआ बल्ब जो है वो भी चमकदार होना ही है। और दोस्तों आप जानते हैं कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है, तो इस प्रश्न के लिए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चांद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए विकल्पों में से जल्दी से विचार करके बताइए कि कौन सा एक जो है वो गलत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो ठोस पदार्थों का आयतन जो है वो निश्चित होता है और ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। और दोस्तों ठोस पदार्थ का आकार भी निश्चित ही होता है क्योंकि ठोस पदार्थ में अणु जो है कैसे बहुत पास पास होते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर लगा रहा है चक्कर तो उसके द्वारा किया गया कार्य दिए गए ऑप्शंस में से क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको वही बात है कि आपको जो है एक रनिंग ग्राउंड में घुमा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप जो है इसके चक्कर लगाते रहिए और लास्ट में आपसे पूछा जाए कि आपने कितना कार्य किया, तो आपने कुछ कार्य किया। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, शून्य वर्ग होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन कैसा अवतल सतह अर्थात अंदर वाली वक्र सतह पर होता है। और दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिए गए ऑप्शंस में से गति के दूसरे नियम के द्वारा दूसरे समीकरण के द्वारा किसके मध्य जो है वो संबंध दर्शाया गया है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्थान और समय के मध्य संबंध को दर्शाया गया है गति के दूसरे समीकरण के अनुसार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विस्मित इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है और यह कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है और यह कहां स्थित है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यह अंटार्कटिका में स्थित है। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी एक गैस ऐसी है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने के पानी को बना देती है दूधिया। तो यहां से जनरल भी बताओ ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोब्रेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कौन सा एक ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगर बात करें तो थॉमस एडिशन को अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का जनक माना जाता है और अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंड्रोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी लीवर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जा सकता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, पौधे के उन कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है जिन्हें जो है हम तुरंत यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्च का प्रयोग जो है वो तुरंत ना करके भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया कम गलनांक और क्वथनांक जो है एक आयनिक यौगिक का एक गुण नहीं है, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? दोस्तों जनरली पूछा क्या जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मगर यहां पर आपसे पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, 1/1000 अगर हम लिखेंगे इसे तो कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। स्थाई उत्कों के निर्माण के लिए एक स्थाई संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए डिफरेंसिएशन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो दोस्तों वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तो दोस्तों वह जो है किस समूह से संबंधित है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, पूछा यह जा रहा है कि उन पौधों के वर्गों को बताइए जिसे हम जड़ तना और पुष्प में विभाजित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो थैलोफाइटा कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसका आवधिक स्वभाव माना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक, मेंडलीव की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया एटॉमिक बेस परमाणु द्रव्यमान इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में जुड़े होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान व प्रतिरोधी के शिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी एक ही रहता है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? बिल्कुल ठीक, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो यहां से जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर
प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। बिल्कुल ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यही वाला फॉर्मूला यहां पर लगाकर इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हाफ को हम वैसे ही रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। M क्या है दोस्तों, M हमारा दे रखा है 4 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है 4 रखा। V क्या है दोस्तों, V जो शुरुआत में था, वेग जो था वो शुरुआत में कितना था 5, और बाद में कितना हो गया दोस्तों 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, यहां पे आ जाएगा 2, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25। तो दोस्तों क्या करना है, 100 में से हम 25 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा 75। तो दोस्तों 2 की जरा मल्टीप्लाई करके बताइए कि 75 से कितना आ जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए 150 जूल, तो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सर्च लाइट का परावर्तक कौन होगा। बिल्कुल ठीक, सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण का बना होता है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ठीक दोस्तों, पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर गैस निकलेगी दोस्तों क्लोरीन। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। तो दोस्तों अलैंगिक प्रजनन में ऐसा क्या होता है कि वह जो है वो लैंगिक प्रजनन से भिन्न हो जाता है। जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, चारों ऑप्शन भी कि दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, कि नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, यह इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, यदि आपको कल की वीडियो याद है तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहां पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो रेनवियर के नोड्स स्वान कोशिकाओं के माइलिन इंसुलेशन के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए माइलिनीकृत एक्सोन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक जो है वो सेप्रोट्रोफ के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी कुकुरमुत्ता जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों कुकुरमुत्ता क्या है, कुकुरमुत्ता जो है एक प्रकार का कवक है और यह एक मृतोपजीवी जीव है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता। और दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें तो इसका शरीर कैसा होता है, इसका शरीर जो है दोस्तों थैलेसनुमा होता है। और कुकुरमुत्ता की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पौधे को जो है वो जड़ तना और पानी पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, हम क्या करते हैं एम इंटू वी फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया मास एंड वेलोसिटी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।